मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और वे भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। ऊर्जावान, समर्पित एवं दृढ़ निश्चय वाले नरेंद्र मोदी भारतीयों की आकांक्षाओं और आशाओं के द्योतक हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर गुजरात में एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही मोदी को संघ से खास लगाव था। वे 1967 में 17 साल की उम्र में अहमदाबाद पहुंचे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली। साल 1974 में वे नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। 1980 के दशक में मोदी पहली बार गुजरात की भाजपा इकाई में शामिल हुए। वर्ष 1988-89 में भाजपा की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा की। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए। मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें महासचिव संगठन बनाया गया। में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी थी और भाजपा चुनाव में कई सीट हार रही थी। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रूप में मोदी को देखने लगे। मोदी को पहले पटेल के उप मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया जो उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने वाजपेयी से कहा, यदि गुजरात की जिम्मेदारी देनी है तो पूरी दें, अन्यथा ना दें। 3 अक्टूबर 2001 को यह केशुभाई पटेल के जगह गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही मोदी पर दिसंबर 2002 में होने वाले चुनाव की पूरी जिम्मेदारी भी आ गई थी। मोदी के सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद ही गोधरा रेल हादसा हुआ जिसमें कार सेवक मारे गए। इसके ठीक बाद फरवरी 2002 में ही गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। मोदी पर आरोप लगे कि वे दंगों को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। भाजपा में उन्हें पद से हटाने की बात उठी तो उन्हें तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और उनके खेमे की ओर से समर्थन मिला और वे पद पर बने रहे। मोदी पर आरोप लगते रहे लेकिन राज्य की राजनीति पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती रही। दंगों के चंद महीनों बाद दिसंबर 2002 में विधानसभा चुनाव में मोदी ने जीत दर्ज की तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा उन इलाकों में हुआ जो दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने गुजरात के विकास को मुद्दा बनाकर फिर से जीत हासिल की। सितंबर 2013 को हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया।
पार्टी की ओर से पीएम प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने 3 लाख किलोमीटर की यात्रा कर पूरे देश में कुल 5,827 कार्यक्रम किए। एक सांसद प्रत्याशी के रूप में उन्होंने देश की 2 लोकसभा सीटों वाराणसी और बड़ोदरा से चुनाव लड़ा और दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी रहे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। चुनाव में जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 336 सीटें जीतकर सबसे बड़े संसदीय दल के रूप में उभरा, वहीं अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 272 सीटों पर विजय प्राप्त की। 20 मई 2014 को भाजपा संसदीय दल एवं सहयोगी दलों की एक संयुक्त बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मत से न केवल भाजपा संसदीय दल अपितु एनडीए का भी नेता चुना गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर मोदी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो सन 2001 से 2014 तक लगभग 13 साल गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री रहे और हिंदुस्तान के 15वें प्रधानमंत्री बने। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।